नमस्ते, मैं हूं नेहा भट्ट और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरी कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। ये रेसिपी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसका जो डेकोरेशन है वो काफ़ी स्पेशल है। इसका जो डेकोरेशन है वो बाहर की कैफ़े टाइप डेकोरेशन है। तो अगर आपको बाहर की कैफ़े टाइप कॉफ़ी का डेकोरेट घर पे करना है तो आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस डेकोरेटिव कोल्ड कॉफ़ी को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इधर ले लिया है ओरियो क्रम्स, जिसके अंदर ओरियो बिस्किट का क्रीम निकाल कर ओरियो बिस्किट को मिक्सचर में क्रश कर लेना है हमें। अगर आपके पास ओरियो बिस्किट अवेलेबल नहीं है और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप कोई भी और चॉकलेटी बिस्किट को ले सकते हैं। दूसरा इधर ले लिया है हर्शीज का चॉकलेट सिरप, इसके बदले आप कोई भी और ब्रांड का चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये है चॉकलेट स्प्रिंकल्स और ये है रेनबो बॉल्स, जो कि डेकोरेशन के लिए है, जो कि ऑप्शनल है। इसके बदले आप ये ओरियो क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। ये है कॉफ़ी पाउडर, ये है शुगर पाउडर, दूध ले लिया है और ये है व्हिप क्रीम। तो अब हम कोल्ड कॉफ़ी बनाने का पहले एस्प्रेसो बना लेंगे, जिसके अंदर हमें कॉफ़ी पाउडर और शुगर पाउडर को पानी के अंदर डालना है और उसको हल्का सा गर्म करना है। हल्का सा ही गर्म करना है, पर इसका टेस्ट जो है कॉफ़ी के अंदर बहुत अच्छा होता है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। कॉफ़ी पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए कॉफ़ी पाउडर, और शुगर पाउडर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है या फिर डाइट पे है तो आप इसके अंदर शुगर फ्री का यूज़ कीजिए। ये इस तरीके से हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसे ऑफ कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे। अब हम सबसे पहले हमारी कोल्ड कॉफ़ी बना लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके अंदर एस्प्रेसो डालेंगे, थोड़ा सा ही डालना है और फिर इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। और मैंने इसको जूसर के अंदर जूस कर लिया है। आप इसके अंदर ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं या फिर मिक्सर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी कॉफ़ी हो गई है रेडी। अब हम इसका ग्लास डेकोरेट कर लेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी। तो सबसे पहले हम इस ग्लास को इस चॉकलेट सिरप के अंदर ऐसे डीप कर लेंगे। आपको पहले से ये ध्यान रखना है कि आप बाउल ही ऐसा लें जिसके अंदर ये ग्लास ऐसे डीप हो सके, और इसको अच्छे से डीप कर लेना है। इस तरीके से डीप हो जाने के बाद आपको अच्छे से फिर देखना भी है कि अच्छे से इसमें चॉकलेट लगी है कि नहीं। इस तरीके से चॉकलेट लगने के बाद इसको हमें इस ओरियो क्रम्स में डिप करना है। आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छे से रेडी हुआ है। अब इसके अंदर हमें इस चॉकलेट सिरप को बॉटल से ही सर्कुलर मैनर में डालना है। अब इसके अंदर हमें कॉफी को डालना है। तो अब हम इस क्रीम को इसके अंदर ऐसे सर्कुलर में डाल देंगे, सादा फिलअप करना है आपको क्रीम। अगर आपके पास ऐसी पाइपिंग बैग नहीं है तो आप प्लास्टिक बॉटल से भी पाइपिंग बैग बना सकते हैं, उसके वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं। अब हमें इसके ऊपर ये वाला चॉकलेट स्प्रिंकल्स डालना है, और इसके ऊपर हम डालेंगे ये रेनबो बॉल्स। इसके बदले अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बदले ओरियो क्रम्स भी डाल सकते हैं। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ ऐसे। मैंने तो थोड़ा ही डाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल दिया है। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ये चॉकलेट सिरप डालना है। कॉफ़ी रेडी, आप देख सकते हो ये एकदम बाहर की कॉफ़ी के जैसे डेकोरेट हुई है, जो कि आप कैफे में अक्सर पीने जाते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही दिख रही है,